हेलो फ्रेंड्स, एलएन प्लम्बिंग में आपका स्वागत है। मैं राजकिशोर एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एक मशीन रिपेयर के बारे में है। किस तरफ से आपने सेल्फ रिपेयर कर पाओगे मशीन का, हमने इस वीडियो में पूरे तरफ से देखा है। कभी अगर आपका साइट के ऊपर आपका चिपिंग मशीन खराब हो जाता है तो उसका कुछ फॉल्ट निकलता है, स्विच का हो या कार्बन का हो, किस तरफ से आपने सेल्फ रिपेयर कर पाओगे इस वीडियो में हमने पूरे तरफ से देखा है। तो वीडियो को आगे लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हमारे चैनल पर पुराना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलते दोस्तों, मिलते वीडियो के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चिपिंग मशीन का स्विच हमने किस तरफ से रिपेयर कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरफ का रिपेयर कर सकते हैं। कभी आपको अर्जेंट में इस तरफ का प्रॉब्लम आएगा तो आपने आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं रहता है इसका अंदर, बस एक छोटा मोटा पत्ती रहता है, एक वाशर क्लैंप रहता है। तो आपने इसको बिल्कुल अपना हाथ से आराम से रिपेयर कर सकते, बट रिपेयर करने का टाइम पर ध्यान रखना है। ये सारा स्प्रिंग वगैरह जो छोटा छोटा स्पेयर मिस ना होना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने का बाद में आपने इसको थोड़ा सा घिस के साफ करना है, क्योंकि इसका अंदर जो स्पार्क हो जाता है, स्पार्क का वजह से ये काम नहीं करता है स्विच। तो आप इसको, अच्छा होगा कि आपके पास अगर पेट्रोल डीजल या किरोसिन कुछ भी रहेगा तो उसमें थोड़ा साफ करने से ये आपका आराम से कुछ दिन चल जाएगा, मिनिमम तो 2-3 मंथ तो चला जाएगा। तो उसके बाद में आप हो सकेगा तो चेंज करोगे, नहीं तो इस तरफ का फिर से भी आपने करके भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए किस तरफ से हमने इसको सक्सेस किए।